हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह से सारा जमाना प्यार करता था। बगदाद का एक ताजर कहता है, मुझे नहीं बाबा अच्छा लगता था। हमारा अपना अपना जेहन है ना, हम कहते हैं मैंने जिधर सारी दुनिया जा रही है वहां नहीं जाना। कहते हैं कि वो बाबा मुझे नहीं अच्छा लगता था, हालांकि सारा बगदाद इज्जत करता। क्यों नहीं अच्छा लगता था? कहते इसलिए कि बाबा ना सिर्फ फर्ज मस्जिद में पढ़ता था, बाकी नमाज घर जाते। तो मैं कहता था इतना वली है तो बाकी भी मस्जिद में पढ़े। कहते एक दिन मैंने कहा जसूसी करनी है इसकी, जो कि इस्लाम में मना है। कहते हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह ने जुमे के फर्ज पढ़े, फर्ज पढ़ के निकल गए दौड़ के। फरमाते मैं पीछे हो गया। मैंने कहा मैंने सुन्नतें छोड़ दी हैं, पर इसका पता करना है, सुन्नत नफल बाद में पढ़ूंगा। कहते हैं हजरत बिशर आफी जल्दी से ना एक कबाब वाली दुकान पे गए, वहां से कबाब खरीदे। और मैंने कहा बूढ़े की उम्र देखो और इसके जायके देखो, इस उम्र में भी कबाब खाएगा। ओए होए, मौलवी को रोटी ने सताया था, इसलिए सुन्नत और नफल छोड़ आया है। कहते हैं थोड़ा सा वो आगे बढ़े तो नान भाई की दुकान से ना नान खरीदे। मैंने कहा देखो यार, देखो इसके जायके, गरम नान खाएगा। बहुत सारे लोग बगदाद में रात की रोटी खाते पर ये गरम खाता है। कहते हैं हजरत वो नान और कबाब लेके ना जंगल की तरफ मुड़े तो मेरे दिल में ख्याल आया, यार बड़ा इस आदमी का अजीब जहन है, ये अब सब्जे पे बैठ के यहां मौज करेगा, खाए पिएगा और सुन्नत नफल छोड़ दी, अला हजारों मुरीद है। कहते हैं हजरत जंगल में दाखिल हुए, थोड़ा सा सफर किया तो कच्ची आबादी आ गई। कच्ची आबादी, एक कच्चे मकान की टूटा हुआ दरवाजा, बाहर से कुंडी लगी। बगदाद के नंगे पांव चलने वाले हजारों मुरीदों के उस पीर ने कुंडी खोली, अंदर गए, एक फालज ज्यादा बाबा जी बैठे। कहते हजरत बिशरे आफी ने अपनी पगड़ी खोली और उस आदमी के मुंह से पानी निकल रहा था, लाल टपक रही थी। कहते पहले अपनी पगड़ी से मुंह साफ किया, फिर प्याले से पानी डाल के मुंह धोया, फिर हजरत उसके टांगों पे कपड़ा डाल के रोटी का लुकमा तोड़ के उसके मुंह में डाल के कहने लगे, बाबा नाराज ना होना, जुमे वाले दिन मुझे देर हो जाती है, अभी तो मैंने सुन्नत और नफल भी पढ़ने हैं, नाराज ना होना, मुझे देर हो जाती है। कहते हैं वो बाबा रो पड़ा और कहने लगा, बिशर यार 14 साल हो गए तू रोज आता है, 14 साल, ये एक सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, 14 साल से तू रोज आता है, मैं पता नहीं कब तक लाश बने पड़ा रहूंगा, तू कब तक आएगा। हजरत बिशर आफी ने बाबे के आंसू पोंछ के कहा, बाबा फिक्र न कर, आज के बाद ये जुमला ना कहना कि तू मेरे लिए बोझ है। फरमाया लोग समझते हैं कि मैंने इबादत करके मकाम पाया है, लोग समझते हैं मैं नवाफल ज्यादा पढ़ता हूं, दुनिया जानती है कि मेरी रात की तस्बीह ज्यादा मजबूत है, पर मैं इनमें से कोई बात भी नहीं, मैं तो तेरी नौकरी करता हूं, तो अल्लाह ने मेरी इज्जतों में इजाफा फरमा दिया है। सोच